check the mic and make sure it sound right, boys. आप सुन रहे हैं My Topic The Story with the boy on the topic. So, yes. Hi guys, this is Bulkis. Welcome to my show, जिसका नाम है My Topic The Story. So guys, हमेशा की तरह मेरा, you know, रहता है कि मैं आपके साथ आऊं और कुछ अपनी जर्नी शेयर करूं और कुछ जो यू नो मेरे गेस्ट हैं उनकी जर्नी सुनाऊं. सो यस गाइस, पॉडकास्ट करने का मकसद यही होता है जो वहाँ पे लेजी बोन्स हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, वो अपनी लाइफ में कुछ यू नो करना शुरू हो जाएं. यस, क्या पता आप भी मेरी तरह यहाँ पे एक दिन पॉडकास्ट करना शुरू कर दें और लोगों की यू नो जर्नी शेयर करना शुरू कर दें और इंस्पायर करना शुरू कर दें, मोस्ट इम्पोर्टेंट. So guys, Valentine's Day है, तो I thought कुछ mental talk में Valentine's Day क्या कर रहा है, मेरे को भी नहीं पता, बट कुछ कर रहा है और कुछ बहुत interesting कर रहा है और बहुत interesting बातें करने वाले हम आज. तो मैं आज एक बहुत ही interesting guest, दो guest मतलब couple को, वो भी Valentine's Day पे लेके आया हूँ, जिनका नाम है क्षितिज एंड शिवांगी. Yes, आपने इनको Instagram पे बहुत देखा होगा, you know, रील्स में. इवन मैंने क्षितिज का भी एक बार इंटरव्यू देखा था, कम से कम शायद बहुत पुराना इंटरव्यू, शायद वो क्विंट के लिए था, मैंने वो भी देखा हुआ था. और फिर जब मैंने इन दोनों का एज अ कपल देखा तो आई वाज सो हैप्पी और मेरा मन करा कि मैं इनको एक दिन पॉडकास्ट एपिसोड करके रहूंगा. सो प्लीज यू नो वेलकम क्षितिज एंड शिवांगी. हाई बोथ ऑफ यू. हाई पुलकित, थैंक यू सो मच. Hi Pulkit, thank you for having us on your show. कैसे हो दोनों दोनों? How are you? All good, sir. All good. Yeah. How are you? I'm good. बहुत मस्त चल रहा है, बहुत चंगा चल रहा है और आपसे बात कर रहा हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है. Same here. Feeling is mutual. Okay, so मतलब how are you going to celebrate, you know, Valentine's Day? क्या any plans? Any कुछ कुछ खाओगे, कुछ घूमोगे या कहीं जाने वाले हो, क्या सोचा है? बस अभी तो यही सोचा है. ऑफिस तो नहीं है उस दिन, ऑफिस है, ऑफिस भी है, ऑफिस है, ऑफिस मंडे है, ऑफिस है, मंडे मंडे. सो आई थिंक वी विल स्टार्ट आवर डे, मतलब सहारनपुर में इलेक्शन है उस टाइम पे, सो वी विल स्टार्ट आवर डे बाय कास्टिंग आवर इंपॉर्टेंट वोट देयर एंड देन मे बी जॉइन ऑफिस ड्यूरिंग द डे टाइम एंड फॉलोड बाय सम शॉपिंग एंड डिनर. ओके, सो मतलब आप पूरा आपका मतलब almost a day traveling almost, mein, yes. And eating and all this busy rahenge. Yes. Favorite thing. So ye inke us din ke plans hain. So guys, main aapse questions yahan pe, you know, aapko throw karunga kuch questions. So are you ready? Okay. Please allow me. Yes. Okay. Yes, sure. Okay, so maine aapki videos dekha, kuch aapke, you know, aapke bare mein thoda bahut janta hu. तो मैं चाहता हूँ मेरी ऑडियंस भी जाने. सो गाइस, मैं आपसे एक क्वेश्चन ही पूछना चाहूंगा, कॉलेज से लेकर, यू नो, हाँ जी, अभी तक की जर्नी आपकी कैसी रही, यू नो, बिकॉज़ मेंटली, यू नो, शिवांगी तुम्हारे लिए कैसा रहा का, एंड क्षितिज तुम्हारे लिए भी वो कैसा रहा, वो टाइम कैसा था, मतलब यू नो फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम डे वन फ्रॉम द कॉलेज टिल नाउ, अभी तक, you know, sitting in front of me, how was it and how was it now? As you said, totally roller coaster ride thi starting mein, all the butterflies, all the good things. Then uske baad after college, real life situations like career, relationship, long distance and everything. Uske baad phir shaadi ki baat thi ki karni hai to kab karni hai, kaise karni hai, ghar walon ko kaise baat karni hai, all that thing. उसके बाद शादी हो गई तो अब शादी के बाद अब क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट, तो इतना लॉन्ग प्रोसेस, तो नेवर एंडिंग थिंग है, तो अब क्या करना है, तो क्वेश्चन ये क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि अब क्या करना है, वो क्वेश्चन मार्क हमारे लिए है. नो यार, स्टिल फिगरिंग आउट. सो आई रियली वांट टू नो योर बैकग्राउंड बिकॉज़ यू नो आप दोनों का बैकग्राउंड, आप दोनों एक ही कॉलेज से पास आउट हैं एंड यू बोथ नो ईच अदर फ्रॉम द कॉलेज डे, यू नो, तो उस टाइम पे कुछ अपना बताओ, आप लोग कैसे मिले एंड हाउ वाज द ट्यूनिंग एंड शादी तक कैसा, प्लीज टेल अस समथिंग. तो हम लोग कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मिले थे, तो हम दोनों ने बीकॉम ऑनर्स करी हुई है एसआरसीसी से.
तो शिवांगी ने थोड़ा टाइम लेट ज्वाइन करा था कॉलेज, तब तक ऑलरेडी सीआर के इलेक्शंस हो चुके थे और बीइंग एन एंथुसियास्टिक सेल्फ मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ था और जीत गया। अरे वाह, तो या सो व्हेन शिवांगी जॉइंड इन तो फर्स्ट डे पे वो मेरी बेंच के जस्ट पीछे बैठी हुई थी एंड वी ऑलरेडी हैड अ कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप तब तक। तो मैंने उसे पीस ऑफ पेपर पास करा दैट गिव मी योर नंबर। फिर बाद में उसे एक्सप्लेन करा कि डोंट वरी आई एम द क्लास रिप्रेजेंटेटिव एंड आई नीडेड फॉर क्लास ग्रुप। सो दैट वॉज द फर्स्ट कन्वर्सेशन दैट वी हैड एंड वी वर फ्रेंड्स फॉर ऑलमोस्ट एन ईयर। He is the only person I knew from the day one of the college. तो मैं इसी को मैसेज करती थी कि क्लास है आज, क्लास नहीं है। एक साल तक बस मेरा एक यही मैसेज होता था कि कितने बजे क्लास है, क्लास बंक करनी है क्या, कब एग्जाम है बस। Oh, nice, very good. मतलब full on मस्ती करी college day. College का मतलब काम ही क्या होता है, करने का जाते हैं, मस्ती करने जाते हैं, बाद में लाइफ के पटाखे बजते हैं जब कॉलेज पास हो जाते हैं, उस टाइम पता लगता है कि क्या क्या हो रहा है। सो शिवांगी आंशित, मैं पूछना ये भी चाहूंगा इसमें, क्योंकि क्वेश्चन ये मेरा एक के अंदर दो तीन क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिए। यू नो यू बोथ फेल इन लव इन कॉलेज, ओके, सो उस टाइम पे फिर मैंने थॉट लेट्स गो टुगेदर हैंड इन हैंड और चलो पेरेंट्स को मनाते हैं। मेंटल, उसमें क्या मेंटल प्रेशर था, कुछ था आपको कुछ मेंटली कुछ, यू नो बिकॉज ऐसी अनयूजुअल सी जोड़ी यू नो जाके खड़ी हो जाए अपने पेरेंट्स के सामने और कहे कि यस वी वांट टू गेट मैरिड, क्या क्या प्रेशर था? सो वी वर फ्रेंड्स, मतलब क्षितिज मेरे घर भी आता था एंड माय मदर एंड माय माय पेरेंट्स माय होल फैमिली न्यू क्षितिज। So, उनको क्षितिज बहुत पसंद था शुरू से ही। सब बोलते थे बहुत ही एनर्जी है लड़के में, बहुत एंथुसियास्टिक है, बहुत टॉकेटिव भी था और मतलब सबसे एक अच्छा बॉन्ड था। तो यस, मतलब फैमिली में थोड़ा बहुत आइडिया तो था बट दे वर मतलब कंप्लीटली वो श्योर नहीं थे कि हाँ, मतलब मैं क्योंकि मैंने कभी एक्सप्लिसिटली कर नहीं बोला था कभी कि आई वॉन्ट टू गेट मैरिड हिम अंटिल 3 साल पहले। तब मैंने बताया था। तो मेंटल प्रेशर फैमिली की तरफ से नहीं था। हाँ, जब हम लोग डेट करते थे, हम लोग बाहर जाते थे, पीपल यूज टू गेट मतलब जजेस और इनफैक्ट मतलब वो कमौली का वाली नजरें वो देख, यस वही वाली नजरें। तो फॉर एग्जाम्पल हम मेट्रो में गए साथ में, तो मेट्रो में लोग देखते थे कि ये दोनों साथ में कैसे क्यों, मतलब आई डोंट नो उनके दिमाग में क्या क्वेश्चंस थे। कुछ लोग पूछते भी थे हमसे डायरेक्टली कि कैसे हुआ, क्षितिज के बारे में पूछते थे कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, आप दोनों कौन हो, आप दोनों क्यों घूम रहे हो, मतलब व्हाटसएप। तो पता क्या होता, दिस इज लाइक अ नेवर एंडिंग प्रोसेस फॉर मी, मतलब मेरे लिए तो काफी नॉर्मल हो चुका है और अभी भी मतलब मेरी तो स्पेशली मतलब कई बार फील्ड में भी जाना पड़ता है। तो फील्ड में जाते हैं मतलब रैंडम पर्सन आउट ऑफ नोवेयर कि ये कैसे हो गया था, मतलब जानना पहचान एनीथिंग। उनको अपनी पहले लाइफ के बारे में बताओ ना कि हमारी पीठ के पीछे लिखा होना चाहिए कि हमारी लाइफ के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, है ना। एक कार्डबोर्ड पीछे लगाना चाहिए कि मेरी लाइफ के साथ ऐसा हुआ, ऐसा हो गया, फिर ऐसा हुआ, फिर हम ऐसे मिले। तो मतलब बहुत वेले लोग होते हैं, मतलब मैं उनको वेले ही कहता हूँ कि उनको है ना सब जानना है हमारी लाइफ के बारे में, उसके बाद चाहे वो भूल जाए, हमारी लाइफ के बारे में सब जानना होता है। तो यस, तो मतलब पेरेंट्स को मनाना, तो लाइक पेरेंट मान गए थे इजीली, मतलब उनके लिए क्या था, ठीक है कर लो, या कुछ और भी क्वेश्चंस थे उनके माइंड में? सो मैंने अपने पेरेंट्स को मैंने नहीं बताया था। दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बताओ बताओ बताओ, हम यहां पे बैठे हुए हैं, बताओ बताओ। तो मैं ऐसी नैप ले रही थी, आफ्टरनून नैप, तो मैं उठी और मेरे व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस, क्या हो गया।
तो वो मैसेज क्षितिज के और मेरे छोटे भाई के थे कि मैंने, मेरा छोटा भाई का मैसेज था, मैंने घर पे बता दिया है, मैंने घर पे बता दिया है, अब तू देख लो तेको क्या करना है। तो मैं उठी हूँ, मेरे को पता था कि हो चुका है। तो मैं किचन में पानी लेने गई हूँ, मेरे मॉम डैड वहीं खड़े हैं किचन में और दोनों मुझे देख रहे हैं और मैं, मेरा यहाँ पानी अटक गया गले में कि मुझे पता है उनका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। सो देर दे आस्क ब्लंटली एकदम कि शादी करने तुझे क्षितिज से। तो आई वाज लाइक बहुत शॉक थी एकदम से ऐसे रैंडमली क्वेश्चन, अभी मैं सो के उठी हूँ यार, दीन से तो आंखें तो खुलने दो। तो आई सेड यस। तो माय मदर, आर यू श्योर? सो आई सेड यस। तो कहते ठीक है फिर, बात करनी है, कैसे करनी है बताओ अब। तो मतलब ये सोचा जाए कि पहले पेरेंट्स पहले क्वेश्चन पूछते हैं, क्यों करनी है, किस लिए करनी है, क्या क्या है, क्या है उस लड़के में जो तेरे को ऐसा लगता है। नहीं हाँ। ये मैंने ऐसे पहली पेरेंट्स की स्टोरी सुनी है, वेरी कूल, इट्स ओके, यू वांट टू गेट मैरिड, गो ऑन, हम कोई क्वेश्चन हाँ। नहीं पूछेंगे, है ना। शायद मैं इतनी कूल नहीं थी, मेरे पेरेंट्स बहुत एंड वी वांट सच काइंड ऑफ पीपल इन आवर सोसाइटी, जस्ट लाइक योर पेरेंट, जो ऐसे ना सपोर्टिव हो और ऐसे आई विश ऐसा सब हो जाए तो यार दुनिया कहां की कहां पहुंच जाए। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। अगर आप बात करो कि अगर मेरे पेरेंट्स को भी कुछ डाउट है तो वो मुझसे पूछते थे कि अगर ऐसा नहीं तो ऐसा होगा, आर यू श्योर? क्षितिज श्योर है? क्षितिज से भी पूछा, आर यू श्योर सब कुछ ठीक है, अच्छा रहेगा? तो ठीक है, दे आर ओके विद दैट, दे आर हैप्पी। मतलब इट्स आवर लाइफ और वो अगर हमारे से बात करना चाह रहे हैं सो इट्स ओके। बट अगर वो दूसरे लोगों से बात करते जो अल्टीमेटली अपना और मिर्च मसाला लगा के बिल्ड अप करते स्टोरी, तो इट वुड हैव बीन, इट वुडंट हैव बीन पॉसिबल, और हम आपके सामने नहीं बैठे होते। हाँ, और मुझे याद है अभी तक, मतलब जब मेरी जॉब लगी थी 2017 में, हम तब से प्रोकास्टिनेट करते रहते थे कि यार कितनी प्रॉब्लम होगी घर पे मनाने में, कैसे बताएंगे, क्या होगा। मेरे माइंड में पता है वही चीजें थी, मेरे को बड़ी सीरियस स्टोरी होगी यार, मतलब ऐसे होगा कि कोई ना कोई बीच में कोई ना कोई ऐसा विलेन होगा या समथिंग, है ना, कोई ना कोई ऐसे स्टोरी ऐसी होगी। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ, यहाँ तो उल्टा ही है बिल्कुल। हमें भी उम्मीद नहीं थी कि मतलब मेरे को पता था कि उनको आइडिया तो है डेफिनेटली, बट इतना स्मूथली देवर लाइक हाँ ठीक है कर शादी और तू निकल जल्दी। मुझसे ज्यादा उसका फेवर होता है, कांट हेल्प, डोंट गेट जेलस। चलो भाई, ये भी बहुत अच्छी बात है, ऐसा हो रहा है, यू नो दिस इज समथिंग रियली गुड। मतलब यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन लिखे थे ना, वो आधे ज्यादा तो वही रोने धोने वाले थे, बट कोई नहीं, लेट मी आस्क यू। ओके ओके, सो आप दोनों को यू नो मेंटली एक दूसरे को समझना कितना आसान और कितना मुश्किल है आपके लिए, तो शादी से पहले और शादी के बाद, जब वो जो कंधों पर जो पड़ जाती है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब और उससे पहले क्या चेंज आ गया है या आ रहा है शिवांगी या क्षितिज, बताओ बताओ, कुछ तो हुआ होगा। I think there are a lot of good things which happen after marriage, जो generally लोग शादी के साथ साथ ना ग्रांटेड लेनी शुरू कर देते हैं। आई थिंक आई स्टिल एंजॉय द प्लेजर दैट आई गेट दैट कि हाँ, मैं जब भी ऑफिस से आ रहा हूँ एंड शिवांगी इज एट होम एट दैट टाइम एंड आई डोंट हैव टू ओपन द डोर एंड आई हैव टू रिंग द बेल एंड आई सी हर फेस एंड आई नो शी इज वेटिंग फॉर मी, सो दैट इज अ वेरी गुड फीलिंग एंड आई लुक फॉरवर्ड टू दिस फीलिंग एवरी डे व्हेन आई कम होम। मतलब दिस इज वन ऑफ द thing that I best feeling ever, hai na? Yes, absolutely. Jab ghar jaake pata laga, jab ghar aake pata laga yaar aaj main khana nahi bana rahi yaar, tu bahar se banati nahi, aaj main khana nahi bana rahi, aaj main khana nahi bana rahi, tu aaj bana le aaj, main she doesn't like to cook to nahi banati hai, that is true. As an individual because you also face so much, वो भी आपकी एक कहानी है अलग, यू नो, वो भी मैंने
कहीं ना कहीं मैं जानना चाहूंगा कि आपकी वो कहानी क्या थी। सो मैं 9-10 साल का था जब, मतलब आई थिंक यही टाइम था उस टाइम भी, सो बसंत पंचमी के आसपास का टाइम था। हमारे यहाँ पे पतंगबाजी का बहुत ज्यादा क्रेज है। हाँ, तो मैं अपने दोस्तों के साथ भी छत पे पतंग उड़ा रहा था और एक पतंग हाई टेंशन वायर में जाके अटकी, तो मैंने उसे लोहे के डंडे से उतारने की कोशिश करी। तब आइडिया नहीं था कि उसमें करंट आ जाएगा। तो उस चक्कर में एक करंट लगा और एज अ रिजल्ट एम्पुटेशन ऑफ बोथ फोर लिम्स। तो आई थिंक 2-3 महीने में रेगुलर हॉस्पिटल में रहा। उसके बाद तो मतलब एंटायरली लाइफ चेंज हो चुकी थी, ओवरनाइट लाइफ चेंज हो गई थी। तो जो सब मैं पहले करता था, मुझे दूसरे तरीके ढूंढने थे वो सब काम करने के। वो अलग बात है कि मतलब साइकिल चलाना, पहले मतलब मैं बैक स्ट्रेट करके साइकिल चला सकता था, तो थोड़ा सा मुझे झुक के चलानी पड़ती। देयर वर सम चेंजेस आई मेड कि मतलब जो भी काम नॉर्मल बंदा कर रहा है वो मुझे भी करने। तो आई ट्राइड टू कीप अप एज अ रिजल्ट। मतलब पढ़ाई में शुरू से ठीक था, तो पढ़ाई की अच्छी रही, CA करा, उसके बाद BCom करी, देन MBA फ्रॉम IIM बैंगलोर। तो मतलब एजुकेशन वाइज एवरीथिंग वेंट वेरी गुड। उसमें मतलब उसके बाद जॉब भी अच्छी लग गई। सो लाइक एवरीथिंग keeps on happening अपने टाइम पे। तो मुझे तो अपने एक्सीडेंट के टाइम पे जो लोग कहते थे उन्हीं की वो विश याद आती है कि अगर भगवान एक दरवाजा बंद करता है तो वो 100 खोल देता है। सो आई थिंक आई एब्सोल्युटली बिलीव इट। सो मतलब आई स्टिल फील माई सेल्फ लकी। ऑल्दो जब मैं पब्लिक प्लेसेस में जाता हूँ तो लोगों को लगता है कि भगवान ने ये क्या कर दिया इसके साथ, बट मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ। ये तो है, मतलब इससे भी वर्स्ट हो सकता था, बट मतलब इतने में मैं ये कहूंगा सस्ते में छोड़ के। हाँ बट यस अगेन यार, एक बात मैं बताना चाहूंगा एज अ यू नो एज अ पर्सन, ऐसा कुछ भी नहीं है जो यू नो हम, मैं आपको इसकी बात बता रहा हूँ। मैंने अभी पीछे रिसेंटली एक यू नो आई नो हिम एंड ही इज जस्ट 18 और 19 ईयर बॉय यू नो एंड ही इज आल्सो एम्पिट्यूट, दोनों हाथ नहीं है। यू माइट नो हिम अक्षत रावत, यू नो हैवर्ड ऑफ हिम? नो नो His name is Akshat Rawat, and again he's similar kind of story, but but उन्होंने भी एक high tension wire को छू लिया था and उसके दोनों हाथ में, ठीक है? And what he achieved, and I'm so proud of it, that guy, you know, एक पूरी army regiment के साथ Siachen glacier जाकर आया है। और वहां पे पता नहीं कितने 40 दिन या 50 दिन या महीना ऐसे वहां पे बिता कर आए हैं सियाचिन ग्लेशियर। माय गॉड, यस, ही वाज लाइक यू नो उस लड़के में बहुत लगन है, बहुत यू नो ही इज वेरी सिंसियर। एंड अभी वो उसने कुछ महीने पहले ही मेरे से बात करी था, ही वांट्स टू प्ले फॉर इंडिया इन पैरालंपिक, है ना? दिमाग तुम्हारा बहुत मजबूत है, तो ऐसे अभी और है ऐसे लोग यू नो जो अपनी लाइफ में और कुछ ऐसा अचीव करना चाहते हैं? मतलब वो प्राउड मोमेंट मेरे लिए भी था, बिकॉज मैं उसको बहुत सालों से जान रहा हूँ। एंड इट्सेल्फ नरेंद्र मोदी, उन्होंने अपने मन की बात में उसका नाम लिया एंड यू नो एंड उसके बारे में प्रेस करी, तो ये हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है, है ना? Absolutely. तो ऐसी बात नहीं है कि ये वो आदत हमको पड़ चुकी है, जो सराउंड करके लोग खड़े हो जाते हैं और हमारे बारे में पूछना शुरू हो जाते हैं, पर उनको ये नहीं पता कि उनकी लाइफ में भी ऐसी काफी सारी घटनाएं घटी हैं जो शायद उनको भी लोग पूछ सकते हैं। Actually. कोई बेस्ट कमेंट, कोई वर्स्ट कमेंट तो बते रहे होंगे, कोई बेस्ट कमेंट और वर्स्ट कमेंट जो तुम्हारा अभी तक का जो तुम्हें मिला हो दोनों को? आई थिंक हमारे बेस्ट कमेंट वो थे जब पीपल ने हमारी स्टोरी से रिलेट करा अपने आप को, और उन्होंने अपनी स्ट्रगल्स शेयर करनी शुरू करी या अपनी सक्सेसफुल जर्नी शेयर करनी शुरू करी एज अ सिमिलर कपल। और एक कपल का तो मुझे याद है, आई डोंट थिंक सो आई एम अलाउड टू टेक देयर नेम, बट वन ऑफ डोंट नीड टू टेक देयर नेम बट शेयर द कमेंट व्हाट दे वांट टू। एक कपल ऐसा था जिन्होंने मतलब हमारे से बात करनी शुरू करी, हमारी स्टोरी जाननी शुरू करी, उनके जो पेरेंट्स के क्वेश्चन आ रहे थे, उनके
रिलेशनशिप के अगेंस्ट, वो हमें बताए, हमने उन्हें उन्हें कैसे टैकल करना है, कैसे आंसर्स करने हैं वो बताया. And we were so proud when they shared their wedding card with us. They are getting married. They're getting married. Oh yes. My God! Wow. They were like the same couple like us. So their parents got convinced ki chalo किसी के और भी parents माने हैं तो हम भी मतलब करते हैं. और हमारी videos का तो purpose तब solve हुआ था, मतलब उन्होंने बताया कि हम आप दोनों की वीडियोस अपने पेरेंट्स को दिखाते हैं, ये देखो. हाँ, दिस इज द ओनली रीजन वी आर मेकिंग द वीडियो, कि ऐसा कुछ इम्पैक्ट पड़े कि नॉट बिकॉज ऑफ हमें इंस्टाग्राम चलाना या कुछ भी, जस्ट एक यही रीजन है कि लोगों को पता चले कि इट्स नॉट अ बिग डील. हाँ, कि यू कैन लिव अ नॉर्मल और हैप्पी लाइफ एज अदर पीपल आर, मतलब सिर्फ एक यही रीजन है. बस तो खैर क्या ही होंगे, बस तो छोड़ो कोई था बस तो लाइक ठीक है, वो तो अब देख के भी आगे बढ़ो, उनका कुछ नहीं कर सकते. कैलिस कैलिस मतलब देयर इज वन थिंग आई वांट टू शेयर, लाइक पीपल वो ही डिसेबिलिटी वाली जो बात करते हैं तो मतलब क्षितिज कैन ड्राइव बट आई कैन नॉट. वाओ, अगेन. सो और तुम बैठी हुई हो एंड बट अगेन फिर वहां पे लोग पूछते हैं क्या हुआ, ड्राइव क्या आप नहीं करते, आप इसको क्यों ड्राइव करवा रहे हो. अभी कोई पुलिस वाले ने हमें ऐसे बोला था, उन्होंने भी कमेंट किया. देख लो भाई, ऐसे भी कमेंट कर रहे, मतलब कहीं ना जीने देते ये लोग तो. As a message to society, इस प्लेटफॉर्म से कुछ आप मैसेज कुछ करना चाहोगे जो आप सुन रहे हैं, जो आपको देख. सो मेरा मतलब फेलो डिफरेंटली एबल्ड को भी और इवन जो नॉर्मल पीपल एज सोसाइटी वुड रेफर देम, उन लोगों को मैसेज रहता है कि यू शुड नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, एस्पेशली एज अ डिफरेंटली एबल्ड. आई नो कि मतलब मैं क्या काम कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता. जो काम मैं नहीं कर सकता उसके लिए मुझे दूसरों से हेल्प मांगने में कोई झिझक भी नहीं होनी चाहिए, या मुझे उसे सीखने में भी कोई झिझक नहीं होनी चाहिए. बट आपका फर्स्ट स्टेप होता है कि आपको ये सारी चीजें पता हो. अगर आप ये एक्सेप्ट ही नहीं करोगे कि आप ये काम नहीं कर सकते या आपको ये काम अच्छे से नहीं आता, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे. सो फर्स्ट स्टेप इज नोइंग व्हाट यू कैन डू वेल एंड व्हाट यू कांट. सो दैट इज माय मैसेज टू अदर्स. सो फॉर मी लाइक आई थिंक पेरेंट्स को, स्पेशली इंडियन पेरेंट्स को थोड़ा और सपोर्टिव होना चाहिए, एटलीस्ट कम्युनिकेटिव होना चाहिए. उनको बात करनी चाहिए अपने बच्चों से कि क्या प्रॉब्लम है, वाई दिस, और ऐसा होगा तो मतलब उनको जो भी डाउट्स है एटलीस्ट उनको क्लियर करने चाहिए अपने बच्चों से. जो मेरे पेरेंट्स ने करा, जो मुझे लगता है कि मतलब बहुत अच्छी चीज है, और सबके पेरेंट्स शायद नहीं करते या और भी बेटर करते हैं, आई डोंट नो आगे क्या कैसा क्या है. बट यही मैं कहना चाहूंगी जो पेरेंट्स सुन रहे हैं या जो बच्चे सुन रहे हैं, कि एटलीस्ट अपने पेरेंट्स से बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन करना चाहिए. दिस इज द की इम्पोर्टेंट है. तो मतलब जो यहाँ पे देख रहे हैं, जो यू नो जो कपल हैं, जो सिर्फ 15 दिन के कपल हैं, यू नो आगे 16 दिन में वो स्लैब डे मनाएंगे, यू नो समथिंग लाइक दैट. वो भी सुन ले, दैट यस ट्रू लव डू एग्जिस्ट, बट पार की नजर होनी चाहिए जो आपको चाहिए समझने के लिए एक दूसरे. तो कैसा लगा आप दोनों को, यू नो टॉकिंग टू मी, मेरे को बहुत मजा आया. आपको कैसा लगा दोनों को? हमें भी बहुत बहुत मजा आया. मजा आया, टोटली राइट. यस, तो वही तो कह रहे हैं कि टॉपिक वैसे चपरी है भाई, कुछ टॉपिक वाली बातें होनी चाहिए जो कहीं लोगों के लिए टॉपिक है, कहीं लोगों के लिए टॉपिक लेस, बट इट्स ओके जैसे भी है.
So she said, and Shivangi, thank you for coming and thank you for, you know, for एक you know inspire हर कोई बोलता है, but यहाँ पे आके आपने society की आँखें खोली, उसके लिए thank you. Thank you so much. Thank you for having me. Instagram पे I really wanted to grow Instagram more and more and more, reach more people, ताकि आप भी आगे जाके you know एक ऐसी सोसाइटी के लिए ऐसी मिसाल बने ताकि लोग आपको देखें और आपसे कुछ ना कुछ यू नो इंस्पायर हो. जैसे आपने स्टोरी सुनाई दैट कपल यू नो, वैसी सबकी ऐसी स्टोरीज सॉल्व हो जाए. सो थैंक यू सो मच, दैट इज अ वेरी वेरी वर्थी ब्लेसिंग दैट यू गिव अस. थैंक यू सो मच. व्हाई नॉट. सो ओके, सो थैंक यू सो मच. सो गाइस, ये थे आज का मेरा शो. आपको कैसा लगा, आपको यू नो कैसा फील हुआ, कुछ अच्छा लगा या कुछ ऐसा लगा कि शायद मैं कुछ मिस कर गया, तो कुछ नहीं करना, मेरे को आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए द बॉय ऑन बात नबील. आपको इवन यू नो मैं आंसर करने बहुत ही इच्छुक रहता हूँ, तो आप करिए. और आपको अगर श्रुति और शिवांगी को फॉलो करना है तो ऑल यू नीड टू डू इज, सो आवर इंस्टा हैंडल इज एक्चुअली हम दोनों के नाम का कॉम्बिनेशन, व्हिच इज शिवांगी प्लस क्षितिज इज इक्वल टू शिविज. शिविज, तो आप शिविज को फॉलो करें ऑन इंस्टाग्राम. कुछ क्वेश्चन है, अगर आपको भी लगता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा लाइफ पार्टनर है जो यू नो आपको पसंद है और आप चाहते हो यू नो उसके साथ जिंदगी बिताना, तो आप इनसे बात कर सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं यार, क्यों नहीं, है ना. दे कैन यू नो सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प, तो गो अहेड, व्हाई नॉट. सो गाइस, तो बस आज के लिए इतना ही. एंड क्या करना है, ध्यान रखना है और दुआ में याद रखना है. बाय बाय.